प्रदेश कैबिनेट की बैठक वर्चुअल आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में के प्रारंभ में माननीय विधायक गोवर्धन दांगी जी के असामयिक निधन पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शोक व्यक्त किया गया और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करी के वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो 17 तारीख परसों से है उसके उपलक्ष्य में कल से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की भी बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक व्यक्ति नहीं संस्था थे, प्रधानमंत्री मोदी जी एक व्यक्ति नहीं विचार हैं। हम उनके जीवन को देखें तो उनका जीवन में करुणा एवं जीवन की सार्थकता बनाने के लिए उन्होंने सदैव संघर्ष किया। बचपन में अपने साथी को तालाब से बचाना, तालाब से मगर तक को पकड़ के ले आना, चाय बेचकर जीवन यापन करना, जीवन की वास्तविकता जानने हिमालय की गोद में चले जाना, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला किस तरह वो संघ के प्रचारक बने और अपना जीवन उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी कि उसमें सेवा सप्ताह जो मन रहा है उसमें कल पूरे प्रदेश के अंदर पात्रता हितग्राही पर्ची गरीबों को 36 लाख से ऊपर गरीबों को एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम होगा। सभी माननीय मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण 2,500 दुकानों पर भी ये कार्यक्रम होगा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, एक साथ इतने गरीबों को, गरीब की थाली ना रहे खाली, उसके तहत देने जाने वाले हैं। 17 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध का वितरण एक साथ किया जाएगा। पौष्टिक आहार, अंडा नहीं, दूध। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी फल का वितरण करेंगे। इस तरह से सामूहिक रूप से ये दूसरे दिन 17 तारीख का कार्यक्रम जन्मदिन के दिन का प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। 18 तारीख को फसल बीमा योजना की राशि एक साथ किसानों के खातों में पूरे प्रदेश के अंदर डाली जाएगी। 19 तारीख को वन अधिकार पट्टे, और इन सभी में सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित सांसदगण जहां भी वो कलेक्टर को बताएंगे वहां पर वो रह सकेंगे। 20 तारीख को स्वसहायता समूहों को एक साथ 150 करोड़ के आसपास की राशि, 21 तारीख को ग्रामीण बैंडरों को 10,000 रुपया और 22 तारीख को किसान क्रेडिट कार्ड 0% ब्याज हेतु 800 करोड़ सहकारी बैंकों के खातों में डाले जाएंगे। 23 तारीख को संबल योजना के हितग्राहियों को संबल योजना का लाभ दिया जाएगा। इस तरह से 16 से लेकर चलने वाला यह सप्ताह है। 16 तारीख को 12 बजे प्रारंभ होगा, लेकिन बाकी के दिनों में ये जो कार्यक्रम होंगे वो 11 बजे होंगे। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में निःशक्त जन बालक बालिकाओं को ग्वालियर में स्टेडियम हेतु 1 रुपये में लगभग निःशुल्क भूमि प्रदान की गई। निःशक्त जनों के लिए स्टेडियम, ऐसा करने वाला देश का प्रदेश पहला है, पहली सरकार है जो इस बात को बताती है कि सर्वांगीण सोच लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आज इंदौर और पीथमपुर में इन्वेस्टमेंट
क्षेत्र में नवीन सेक्टर 4 और 5 को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना मंजूर की गई है। इस पीतमपुर में लैंडिंग पूल बनेगा, 25% राती किसानों के साथ में लेकर के उन्हें करेंगे और विकसित भूमि का भी कुछ भाग दे करके इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिन शहर में महानगर क्षेत्र का आज गठन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया। जेरा मध्यम सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति सागर जिले की है, तहसील जैसी नगर में है। 170.88 करोड़ रुपए की इस योजना को भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। अटल भूजल योजना, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जो लगातार जल स्तर हमारा गिर रहा है, भूजल का स्तर गिर रहा है, उसको उठाने के लिए पन्ना, पलेरा, नौगांव, छतरपुर, पथरिया, राजगढ़, इन जो बुंदेलखंड के प्रमुख जिले हैं, इनके लिए भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा 314.54 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज हमारे यहाँ जो विधेयक विधानसभा में आने हैं उनको भी, अध्यादेश के रूप में आए, उनको भी आज मंजूरी दी गई। जीएसटी एक्ट में संशोधन के लिए जो वरिष्ठ समितियों सचिवों की समिति ने अनुमोदन किया था, उसे आज कैबिनेट ने किया है और अब ये विधान आने वाली विधानसभा के सत्र में आएगा। कराधान अधिनियम जो है, एक पुराना बकाया वाला, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये सरकार की। इसमें कई तरह के राहत देने की कोशिश की है कि जो अविवादित है उसका आधा लेकर के बाकी का किस्तों में करना या ब्याज किस्तों में करना, विवादित में कितना लेना, कितनी किस्तों में लेना, इस सारा का सारा विषय इसमें आया है। लेकिन ये भी विधानसभा में चूंकि आएगा, इसलिए विस्तार से हम अभी नहीं बता रहे हैं। वल्क डग पार्क की स्थापना और मेडिकल डिवाइस विनिर्माण, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बल्क डग पार्क फार्मा इकाइयों का, इनको भी वित्तीय सुपला उपलब्ध कराने का, और दूसरा जो हमारा मेडिकल डिवाइस विनिर्माण है, इसको भी मेडिकल सुविधा देने के बारे में आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। कैबिनेट के द्वारा आज हमारी सतही नल जल योजनाएँ, जो कि एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रयोजन है, दूषित पेयजल न मिले, गांव के अंदर शुद्ध वातावरण, जैसा आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने कल भी अपने भाषण में कहा कि प्रत्येक गांव वाले को गांव के अंदर टोटी से हमारी बहन को बेटी को शुद्ध जल मिले, उस योजना को भी आज मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग हमारे 1 दर्जन से अधिक जिले आए। उठ जाओ।